वेलकम वेलकम टू फिजान अली भाई टी। और आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू मेक अ गेमिंग वेबसाइट, कि हम गेमिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, लेकिन वो जो थीम थी वो थोड़ी हैवी है और कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने में बहुत कम्प्लेक्स है। तो अगर आप न्यू हैं वर्डप्रेस पर भी और आप इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज और शॉर्ट कोड्स को नहीं जानते, फिर आपके लिए जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बेस्ट है। और ये थीम जो यूज़ करने वाला हूँ सबसे आसान थीम है, आप गेमिंग वेबसाइट बड़ी इजीली बना सकते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग वेबसाइट बनाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होनी चाहिए, या आप अपने पीसी पर बना सकते हैं वेबसाइट को, या आप बना सकते हैं अपने आप होस्टिंग और डोमेन लेके वेबसाइट बना सकते हैं। तो फॉर होस्टिंग एंड डोमेन आप क्या कर सकते हैं, मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो लोकल होस्ट यानी कि अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आप इसे वर्डप्रेस ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो आपने अगर आप ऑनलाइन बनानी है तो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे फिजान अली वॉइटी ऑफिशियल। ओके, यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर वाला जो चैनल है वो मेरा ही है। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे और यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट या वीडियोस के अंदर चले जाएं, वीडियोस के अंदर जाने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि डोमेन और होस्टिंग किस तरह बाय करते हैं और उसके अंदर वर्डप्रेस वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ उसके अंदर बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो कहाँ है, आप वैसे भी ढूंढ सकते हैं यहाँ के, और यहाँ और भी बहुत सारी वीडियोज हैं। ये मैंने पहले वीडियो लगाई थी गेमिंग की, लेकिन ये थीम थोड़ी मुश्किल है बाकी एज कम्पेयर टू अदर्स, ये थीम जो थी मुश्किल थी। लेकिन अब मैं एक आसान थीम लेके आया हूँ जिसके अंदर आप आधे घंटे के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ पे होगा हाउ टू कनेक्ट, ये लिखा हुआ कनेक्ट डोमेन विद, हाउ टू कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग डोमेन विद वेब होस्टिंग। यहाँ पे मैंने बताया डोमेन भी कैसे बाय करनी है, होस्टिंग भी कैसे बाय करनी है, और वर्डप्रेस को वहाँ इंस्टॉल कैसे करना है, सारा तरीका इसके अंदर मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन कर ली है सारी की सारी। आपने इंस्टॉलेशन करनी हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंस्टॉलेशन गाइड पूरी वो वीडियो आप देखेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे बना रहा हूँ पीसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम, मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, मैं डैशबोर्ड ये देखें इतनी ज्यादा चीजें यहाँ पे, तो उसको क्लियर करें, स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिंपल साइट हेल्थ को रहने देना, बाकी सारी की सारी यहाँ से हटा देनी है। साइट हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपकी साइट हेल्थ बताएगा गुड है बैड है बताएगा कि कैसे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो नाम है वेबसाइट का, फिलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह नजर आ रही होगी, जो कि वर्डप्रेस का एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो कोई थीम वगैरह इंस्टॉल नहीं है। तो हमने क्या करना है, मैंने सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाके आपने जनरल के अंदर जाना है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ से जो भी है, मैंने पहले शॉपिंग वेबसाइट बनाई थी तभी यहाँ शॉपिंग पे लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, मैं कोई भी लिख देता हूँ गेमिंग gamer.com कह लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, साइट का टाइटल। और यहाँ से मैंने ये आप .com वैसे यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम है gamer.com, तो मेक श्योर कि यहाँ gamer.com लिखा हुआ हो और यहाँ पे इसके साथ s लगाना है। मैं अभी लैपटॉप पे हूँ तो s नहीं लगा सकता क्योंकि लोकल होस्ट इसको कहते हैं, तो लोकल होस्ट मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप पे बना रहे हैं, मतलब अपने ऑनलाइन नहीं है। सुबह यहाँ पे अपनी मेक श्योर यहाँ पे आपकी अपनी ही मेल हो और यहाँ पे इसको लाजमी टिक कर देना एंड देन आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आप जो काम है, अब हमने थीम को इंस्टॉल करना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी थीम आ जाए, डिजाइन आ जाए थीम के अंदर, डिजाइन को तो अपीयरेंस में जाना है और थीम्स के अंदर आपने जाना है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक थीम पहले इंस्टॉल की हुई है, मैं फिलहाल इसको एक्टिवेट कर डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखा तो ये कोई थीम नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये थीम जो है ये एक पेड थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है पिक्सी ह्यूज। फ्री डाउनलोड लिखा है लेकिन फ्री डाउनलोड मिलती नहीं है। तो अगर आपको थीम वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, थीम आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, ये देखें ये इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारे इसके पेजेस हैं। तो ये कितने डॉलर की थीम थी, आते हैं $49 की। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद ये देखें
ये पूरे इसके पेजेस हैं, बाय नाउ वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं टैबलेट के अंदर किस तरह नज़र आती है, मोबाइल के अंदर किस तरह नज़र आती है, ये टैबलेट के अंदर और ये मोबाइल के अंदर, और ये देखें ठीक है कुछ इस तरह है। लेकिन मैं अभी पीसी के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इनके डेमोज हैं बहुत सारे, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर बेसिकली ये है कि इनके पिक्चर्स ही चेंज हैं और भी इतनी चीज़ें चेंज हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थीम को अपलोड करने वाला हूँ, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, या अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको ये थीम फ्री में दे दूँगा। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपके पास कुछ डाउनलोड के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी है माइक्रोसॉफ्ट टूलकिट एंड डाउनलोड के अंदर, सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पे ये है मेरे पास थीम, ये आ गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करें, कोई फोल्डर बना लें उसके अंदर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने ये फोल्डर बनाया था तो इसके अंदर थीम इंस्टॉलेशन वाला फोल्डर उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको अपलोड करना है, ये वाला आपको मिल जाएगा फोल्डर, उसके ऊपर क्लिक करना है, पिक्सल यूज के अंदर जाना है थीम फाइल्स, और यहाँ पे थीम फाइल्स के अंदर ये है ये वाली पिक्सल यूज, इसको ओपन करना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे साथ ही अनपैकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको अपलोड करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेरे पीसी से यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये इंस्टॉलिंग द थीम स्टार्ट हो गया, और थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये मेरे यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इसकी चाइल्ड थीम को अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाइल्ड थीम को अपलोड नहीं करने वाला। सो यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी जो प्लगइन्स हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है, तो इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सिंपल इसकी एक ही प्लगइन है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट का आ रहा है तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। आप इंस्टॉल करिएगा उसके बाद एक्टिवेट, तो एक्टिवेट होने के बाद आपके पास यहाँ से इसको आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पिक्सी पैनल का पूरा ऑप्शन आ गया। पिक्सी पैनल के अंदर जाएं और यहाँ पे आपने क्या करना है, डेमो कॉन्टेंट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपने कोई भी ऑरेंज लाइट, आपके पास ऑरेंज कलर होगा, ये पिंक कलर होगा, यहाँ पे रेस्टलेसनेस ग्रीन कलर होगा, पर्पल होगा, येलो होगा, तो मैं जो स्टार्ट करने वाले येलो से ऑरेंज से करता हूँ और इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के थोड़ी देर बाद ये आपका जो डाटा है ये सारे के सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो ये इम्पोर्ट हो चुका है विद इन 9 मिनट। सो अब आपने इसको रिफ्रेश कर देना है और अब आप देखें तो ये पूरे का पूरा डेमो आपके पास इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास एक ही पोस्ट है जो यहाँ पे आई है, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर, और आर टीम्स हैं यहाँ पे, टीम्स के नाम है, और टीम्स के नाम के ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर क्लिक हियर टू सी, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैक टू होम पेज, अभी इन्होंने कोई मैच वगैरह नहीं खेले। और यहाँ पे आए तो ये हैं हमारे किस किस के मैचेज हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे डला हुआ। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे ये है जी, ये ट्विटर का कोई ट्वीट है, और यहाँ पे देखें तो लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं ट्विच और यहाँ पे यूट्यूब वगैरह सारी इसकी, यहाँ पे ये ट्विच की है, ये यूट्यूब की है। और आगे जाए तो यहाँ पे मिक्सर के अंदर जाए तो यहाँ पे मिक्सर की जो है वो लाइव स्ट्रीम्स यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पे हो रही हैं। और ये है फोटर, इसके अंदर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आर डिपार्टमेंट्स आएंगे, मैनेजमेंट स्पॉट, और यहाँ पे यूजफुल लिंक्स, यहाँ पे सारे मतलब पेजेस आएंगे, और यहाँ पे अबाउट अस के बारे में सब कुछ आएगा। मोर अबाउट अस के लिए हमें मोर पे जब क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज, और ये नीचे फुटर है हमारा gamer.com, हमने नाम लिखा था तो gamer.com यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये हमारे लिंक्स हैं और यहाँ पे काफी राइट है, ठीक है। अब हम इस सारे को चेंज करेंगे। सो चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा अगर हम लोगों को चेंज करना है तो लोगों को चेंज कैसे करेंगे, या हम सोशल लिंक्स पहले डाल लेते हैं। सोशल लिंक्स ये ऊपर भी हैं, ये देखें ये सोशल लिंक्स हैं, और नीचे नीचे वाली साइड में भी यहाँ पे देखें तो ये सोशल लिंक्स हैं। तो इनको कैसे चेंज करना है, सोशल लिंक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सबसे टॉप आप पे ऑप्शन है सोशल लिंक्स, तो यहाँ पे आपने सिंपली अपना जो यूज़र नेम है वो आपने फेसबुक के लिए यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो फॉर मेरा जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ चकवाल है, या आप कह लें मेरा जो फैजान अली वाइटी,
और या ट्विटर पे भी मेरा फिजान अली वाइटी है, सब सब सारे के सारे फिजान अली वाइटी हैं। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे जो है वो भी फिजान अली वाइटी, और चैनल के अंदर जाऊँ तो वो भी फिजान अली, चैनल के अंदर मेरा है फिजान अली वाइटी ऑफिशियल। ओके, और उसके बाद हमारा ट्विच, ट्विच पे मैंने नहीं बनाई हुई तो आप इसको यहाँ से ब्लैंक कर दें, और इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है जी, ये भी है स्ट्रीम, स्ट्रीम पे भी मेरा नहीं है, और ये ट्विच डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड भी मेरी नहीं है। ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों से लिंक आपने डाले, जो जो आपके हैं वही लगा देना है। और शो हाइड इन टॉप बार, अगर आप इसको टॉप बार देखें तो यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली हाइड पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद ये फुटर में भी नीचे शो हो रहे हैं, अगर आप इसको नीचे शो करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हाइड करेंगे तो ये हट जाएंगे। शेयर बटन, शो शेयर बटन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया, और अब मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद जिस जो मेरे लिंक थे वो मैंने डाल दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो हट गए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ओपन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक सो मेरी प्रोफाइल या मेरा पेज ही ओपन होगा। ये लोड होने में थोड़ा टाइम, तो ये देखिए मेरा पेज ही ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा पेज, यहाँ पे वीडियो क्रिएटर और यहाँ पे पीपल रीच्ड, तो ये मेरा पेज ही ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ तो यहाँ पे लोगो का है, तो लोगो हम सबसे लास्ट पे चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हेडर बैकग्राउंड, तो ये जो चीज़ है आपकी, ये जो पीछे आपकी आ रही है पूरी इमेज, ये वाली, ये हेडर का बैकग्राउंड है। आप इसको कैसे चेंज कर दीजिए, देखिए इन्होंने एक इमेज लगाई हुई है, और इस इमेज का साइज, अगर मैं ये है इस इमेज का साइज, यहाँ पे हेडर सेटिंग के अंदर जाऊँ और यहाँ पे देखिए तो 19 ये इसका साइज है। तो मैं हेडर का बैकग्राउंड अभी आपके सामने गूगल से डाउनलोड करता हूँ, बैकग्राउंड गेम गेमिंग इमेजेस, सो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं मोर के अंदर, सॉरी मोर नहीं, टूल्स नहीं, टूल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एनी ऑल रिजल्ट्स, यहाँ पे एक होता है जिसके अंदर हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में पहले इमेज उसको ओपन तो कर लें, इसके बाद साइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे होना चाहिए, सर्च सेटिंग रिजल्ट पर इमेज ये आ रहा है, करंट और टूल्स, टूल्स के अंदर ये है साइज का ऑप्शन, साइज में हमने इसको लार्ज और लार्ज, यहाँ से कोई भी हम इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग इमेज हमें चाहिए अच्छी सी, और देख लेते हैं कोई भी अच्छी सी इमेज, और ये वाली देखते हैं, इसका साइज छोटा है, हम यहाँ पे साइज दे सकते हैं अपना, क्या यूजर राइट्स नहीं चाहिए हमें, टाइप यूजर है यहाँ पे लार्ज एनी साइज, और यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे मैं लिखता हूँ। वेबसाइट, कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ पे अनस्प्लैश, सो अनस्प्लैश.com पे जाकर आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स ले सकते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है गेमिंग बैकग्राउंड्स, यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं तो आप यहां से इमेजेस ले सकते हैं। सो दीज आर द हाई क्वालिटी इमेजेस,
आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट इमेज ओरिएंटेशन. सो इट इज डाउनलोडेड. नो वी कैन अपलोड इट हियर. चूज बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट एंड हियर इट इज. Is taking some time, so choose image as background and let's save it and check it is okay or not. So I think that this is good. Okay, and this is how you can change it. After that there is a this section esport fans, so you can change it from here. You can write whatever you want. And after that there is a middle line, you can change it just from here, and there is a bottom line, you can change it from here, and you can there is a by theme option, you can delete it by theme, and there is the button link, you can also remove that and just click on the save. Okay, this is removed. You want some button like you want some other button, for example you want join team or go to YouTube. Okay, for that you can give your link as well. You can create button, you can write here your link youtube.com/ Faizan Ali YT. Okay, sorry, English. Okay, now it's done. You can change it from this section. Okay, we need to refresh it and you can check this is changed. You can also change this from the header section and from here. Okay, this is simplest theme. After that there is a new section. For new section, here is the new section. This is the post. If you do any post on your website, this will be go to the latest news. If you go to here, add new, and for example I write a post, for example gaming. So we need to find a gaming post. Here is the gaming first post. There it is not available. So let's PUBG gaming. So we'll find a lot of post here. So for example, we open this. And we want to post for this is the title of the post, so we need to copy it. So you need to write here title, and after that what you need to do is you need to copy this here. After that you can give here this is done, and after that what you can do, you can also do write this, copy this and write here and make it that this is a quote. So select from here that this is the it is not available. You need to use the classic okay, that's good. So far from here you can select it a quote. Okay, this is like a blue color on the right, it means this is the quote. So after that what you can do,
So you copy the whole like that, and you can write post, you can add images here. For example, if you want to add image here, just click on here and click on plus, and after that you can upload image, you can add image here, you can add video here, anything you want. You can upload, I have this image so I am uploading this, you can upload this, you can upload any video or anything. I am doing, I am publishing it. Before publishing, you need to select. So before publishing, you need to add image thumbnail. So for image thumbnail, you need to click on post and go to featured image, click on this, and you can use any images as a featured image. This is done as a featured image, and you need to select a category. In which category you can add new category. For example, this is gaming, so for that you can add new category gaming, and you can select that, and you can, you are, you can post into this category, and after that you can, you can publish it. So iske baad aap publish kar sakte hain. And sorry, मैं भूल गया था कि मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं, मैं उर्दू बना रहा हूँ. तो यहाँ पे आओ, तभी मैंने एक नई पोस्ट पब्लिश किया. तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास देखिए कौन सी कैटेगरी में हमने पब्लिश की थी, गेमिंग के अंदर. और यहाँ पे देखिए इसका टाइटल, और ये इसका जो मैंने फीचर्ड में लगाई है वो शो हो रही है, और यहाँ पे इसका टाइटल, और यहाँ पे डेट शो हो रही है. तो ये लेटेस्ट न्यूज में जो भी आप पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा. अगर आप इसको भी कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसका भी सेक्शन यहाँ पे दिया होगा न्यूज सेक्शन के अंदर, तो आप चेंज कर सकते हैं. या आप यहाँ पे अगर आप इसको नहीं शो करना चाहते तो नो कर दें, यस कर दें, जो मर्जी आप. यहाँ पे कैन यू हाइड दिस, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो यस, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दें. उसके बाद ट्विटर सेटिंग है. ट्विटर सेटिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्विटर सेटिंग आर टीम्स है, लेकिन आर टीम्स के बाद यहाँ पे आ जाता है. तो ये ट्विटर सेटिंग है, दिलवान वाले बात करता है. तो ट्विटर सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ, ये देखें तो. सो यहाँ पे देखें ये पूरा एक बैकग्राउंड, आप इसको चेंज कर सकते हैं. सिंपली आप इसको चूज करके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं. सो आप कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं लगा नहीं रहा, ठीक है. उसके बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं शो हाइड करके. उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कीप द अपडेट, इसको भी चेंज कर सकते हैं. जो लाइन यहाँ पे लिखी गई ये वाली, ये भी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद वही पोस्ट वाली लिखी है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं. और आप अपने ट्विटर का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं. ओके, और यहाँ पे मेरा जो नाम है वो है फैजान अली वाईटी. ओके, इसको सेव करता हूँ. सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद ये देखें फैजान अली वाईटी आ गया, और इसके अंदर से वो ऑटोमेटिकली फेच करके यहाँ पे कोई भी ट्वीट है शो कर देगा. और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करें, सेक्शन ऑर्डर, आप इसके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहते हैं कि न्यू, यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर वाला कौन सा आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ सबसे लास्ट में चला जाए, तो आप यहाँ पे आके न्यूज़ को ड्रैग करके सबसे लास्ट में जाके इसका स्ट्रीम ऊपर लेके जा सकते हैं. यहाँ पे टीम्स मैच ऊपर लेके जा सकते हैं, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं. ट्विटर वाला सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं. उसके बाद इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका आर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा. उसके बाद फुटर सेटिंग है, तो फुटर सेटिंग के अंदर ये वाली आर्डर, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये चेंज हो जाएगा. पहले लेटेस्ट न्यूज ऊपर था, अब लाइव स्ट्रीम ऊपर आ गया, ठीक है. उसके बाद यहाँ आओ तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या सेक्शन है, हमारे पास फुटर सेक्शन है. यहाँ पे अबाउट अस का एक उसके अंदर दिया हुआ, ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे अबाउट अस आप इसको चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं, यहाँ मोर अबाउट अस, और यहाँ पे अपना जो भी आपका पेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसका नाम है गेमर प्रॉड का, और उसके बाद आपने अबाउट का पेज है तो यहाँ पे स्लाइड डाल के अबाउट डॉट HTML जो भी है, जो भी आपका पेज है वहाँ पे आप डाल सकते हैं. उसके बाद डेमो कंटेंट, ये तो आपने कर लिया. तो फुटर सेक्शन को आप इस तरह चेंज कर सकते हैं. तो सॉरी अभी नीचे और रहता है, तो आपने कॉपीराइट जो देना है वो किसको देना है, कॉपीराइट आप देना है अपनी वेबसाइट का. यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है गेमर डॉट कॉम, और यहाँ क्राफ्टेड बाय द, इसको आगे से हटा देना, ठीक है. और यहाँ पे कॉपीराइट लिखने की नहीं जरूरत है. यहाँ पे आप एक और चीज, यहाँ पे कॉपीराइट का साइन डाल सकते हैं, शिफ्ट एंड COPY कॉपी लिखें, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएं, और इस तरह ये हो गया. और यहाँ पे फुटर का बैकग्राउंड यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे इस फुटर, लेकिन ये इसी तरह सही है. अभी अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं. सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें, और अब आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें एट द रेट कॉपी लिखा था, तो इसके साथ ये साइन आ गया और कॉपी का राइट गेमर डॉट कॉम.
उसके बाद बहुत और भी सेक्शंस रहते हैं जो दरमियान में लाइव स्ट्रीम वाले, वो कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये सारा हो गया सेटिंग, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है टीम्स की सेटिंग बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास टीम वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, या पहले लाइव स्ट्रीम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का सेक्शन है, ठीक है, ई गेमिंग। तो सो ये रहा हमारे पास लाइव स्ट्रीम का सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो पिक्सी के अंदर ही, पिक्सी पैनल के अंदर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम्स का ऑप्शन है। स्ट्रीम्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप जनरल के अंदर जाएं, और फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं स्ट्रीम करना चाहते, स्ट्रीम वाला पैनल शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये जो शो हो रहा है ये शो करना चाहते हैं, तो ठीक है शो, अगर नहीं करना चाहते तो हाइड कर दें। अगर आप स्ट्रीम को इंटीग्रेट कैसे करना, यानी कि अपनी वेबसाइट पर शो कैसे करना है, स्ट्रीम इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे। अगर आप कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उसकी यूट्यूब की एक स्ट्रीम की होती है जो आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। हर चैनल की अलग स्ट्रीम की होती है, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगर जो स्ट्रीम करता है उसको पता होगा स्ट्रीम की क्या होती है, ठीक है। तो जब आप स्ट्रीम कर रहे होते हैं ना, स्ट्रीम गो टू लाइव, तो वहाँ पे एक स्ट्रीम की देता है, वो आप यहाँ पे लगाते हैं, वो स्ट्रीम आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लगाएंगे तो आप सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम चेंजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम नेम आप कोई भी एक न्यू स्ट्रीम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे पहले भी स्ट्रीम्स ऐड है। सो आप यहाँ पे 10 से ज़्यादा स्ट्रीम्स ऐड, आई थिंक सो, दिस शो एंट्रीज लिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे ऐड न्यू स्ट्रीम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नई स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो ये पहले वाली आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये सिंपली क्रॉस का ऑप्शन है, इससे डिलीट हो जाएगा। ऐड स्ट्रीम के अंदर जाएं, यहाँ पे टाइटल दें, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ पबजी स्ट्रीम, ओके मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे करना चाहता हूँ, ट्विच पे करना चाहता हूँ, या मिक्सर पे, जो भी आपने सर्च करना है यहाँ पे सर्च करते हैं। स्ट्रीम का जो यू आर एल है, उस टाइम एक यू आर एल होता है, वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी है वो आपने यहाँ पे दे देना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ यूट्यूब ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। आपने उस स्ट्रीम का यू आर एल यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपने इसका कोई थंबनेल स्ट्राइक कर, पबजी कर रहे हैं तो पबजी पबजी का आप कोई भी वहाँ पे स्ट्रीम का थंबनेल लगाते हैं, तो वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। अब इसको आप जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर ये ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पे पबजी का मैंने कुछ डाला था, शो एंट्रीज 10, 100 से ज़्यादा एंट्रीज आई थिंक सो, इसके अंदर 25, तो जो भी है मैं यहाँ पे पबजी लिखता हूँ, आई थिंक सो वी नीड टू रिफ्रेश इट। सो स्ट्रीम्स के अंदर जाते हैं और पी लिखता हूँ सिंपल, मैं टाइटल जो इसका था आई थिंक सो, इसको अगर हम इसको किसी एक को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यूट्यूब का है तो इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, तो 100 से नीचे चला गया होगा। यहाँ पे थंबनेल लग गया, थंबनेल ये लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो भी यहाँ पे डालना है अपना डाल देना है, और यहाँ पे ट्विच का है तो ट्विच का यहाँ पे यूआरएल डाल देना और सेव कर देना, ये सिंपल है, ठीक है। इसी तरह ये स्ट्रीम का सेक्शन होगा, स्ट्रीम के बाद हमारे पास जो आता है जो भी स्ट्रीम्स करेंगे वो इस सेक्शन में शो होंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास और मैचेस, तो मैचेस मैचेस से पहले टीम होनी जरूरी है, तो मैं यहाँ पे टीम्स के अंदर जा रहा हूँ। सो टीम्स के अंदर जाएंगे तो जनरल में आ जाए, टीम का सेक्शन शो करना है या नहीं करना, शो करना है तो शो एंड हाइड, यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं टीम्स, ओके इसको सेव कर दूं। और उसके बाद टीम्स एंड प्लेयर्स, ओके सो यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी टीम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ, ये मिड नाइट टर्टल्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर 5 है, उनको लोगो ये है, ठीक है। अब इसको एक बार चेंज करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका नाम क्या है टीम का, वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद 10 दिस टीम बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट, अगर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करी यस, अगर नहीं तो नो, ओके यस नो, जो भी आप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक कवर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद एक उसका लोगो सेलेक्ट कर लेना है। चूज अ गेम लोगो, गेम लोगो, और यहाँ पे अपनी टीम का लोगो होना चाहिए, जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसका लोगो है, पबजी है तो पबजी का लोगो, और यहाँ पे टीम का लोगो, और यहाँ पे चूज टीम बैनर, यानी कि बैनर के अंदर आप सारे मेंबर्स की पिक्चर्स बना के लगाएंगे। यहाँ पे मिड नाइट टर्टल्स टीम का नाम यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे ट्रिपल यूरोपियन बैनर, और यहाँ पे सब टाइटल आपका जो भी है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपने अपनी टीम के बारे में, अपनी गेम के बारे में लिखेंगे, कब बनी, कब कौन सा कंट्री है, और यहाँ पे जीते कितने हैं, लूज कितने हैं, और बराबर कितने हुए हैं मैच, सारे यहाँ पे इसके अंदर डालना है। तो अब अगर आपने कोई एडिट टीम करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, प्लेयर नए इसके अंदर जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नया प्लेयर इसके अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और हर प्लेयर यहाँ पे
इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं वो भी यहाँ पे इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आए तो यहाँ पे आपका नई टीम भी ऐड कर सकते हैं खुद से। सो नई टीम ऐड करने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, और सॉरी बैक, एंड यहाँ पे ऐड टीम का ऑप्शन है। इसके अंदर जाके आप कवर और यहाँ पे लोगो वगैरह सेम उसी तरह देख के आप यहाँ पे अपनी टीम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आए तो यहाँ पे मैचेस का ऑप्शन था। सो मैचेस के ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर मैच यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 5 मैचेस, सेलेक्ट नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस खेलने हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, शो हाइड। एंड उसके बाद यहाँ पे मैचेस के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मिडनाइट, अगर इसके ऊपर आप ऐड मैच को करते हैं यहाँ पे अपनी गेम फॉर एग्जांपल उसका नाम लिखना है, टूर्नामेंट का नाम लिखना है, टूर्नामेंट की डिस्क्रिप्शन, अपकमिंग आने वाला है या फिनिश हो चुका है वो भी आपने बताना है, टीम टीम कौन कौन सी है इसके अंदर, और टीम अवे जो टीम होम घर या अपनी टीम कौन सी है और बाहर से टीम कौन सी है, स्टेटस ऑनलाइन है, बेस्ट ऑफ सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 1 है, बेस्ट ऑफ 3 है, बेस्ट ऑफ 5 है वो भी आपने, रिजल्ट 0 रिजल्ट, स्टार्ट डेट कब से है, आर्टिकल का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ से जाके आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि गेम के रूल्स क्या है, और यहाँ पे वो लीडर्स टू स्कोर, एंड यहाँ पे ये कुछ किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ डी ड्यू, रिजल्ट होम रिजल्ट अवे। सो यहाँ पे जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टीम भी अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। और मैप्स वो जैसे गेम्स के अंदर मैप्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे शो करा सकते हैं, किस मैप के ऊपर खेलना है, मैप ऐड कर सकते हैं, मैचेस के अंदर ऐड ऐड कर सकते हैं, मैचेस को देख सकते हैं, और ऐड करने के लिए यहाँ पे टीम्स को आप यहाँ से टीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जिसका मतलब मैच है ना उसका, और दूसरी टीम जो है उसका अपना जो मैच है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पॉन्सर्स का सेक्शन भी है, कौन आपको स्पॉन्सर कह रहा है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर के ये पूरा ऊपर थीम फॉरेस्ट ब्रॉडनेट, और यहाँ पे स्पॉन्सर का सेक्शन कहाँ पे है, जो स्पॉन्सर का सेक्शन आई थिंक दिस इज द स्पॉन्सर सेक्शन। सो यहाँ पे आप पाएंगे अपलोड बैकग्राउंड इमेज, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज आपने अपलोड करनी है, एंड आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड ये भी लगा हुआ है, वांट टू हेल्प अस ग्रो स्पॉन्सर। सो यहाँ पे ये किसी जगह लिखा होगा वांट टू हेल्प अस ग्रो स्पॉन्सर अस, सो वी नीड टू फाइंड दैट वांट टू हेल्प अस ग्रो स्पॉन्सर अस। यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, आई थिंक सो वो ऑफ हुआ है, ये सेक्शन ऑफ हुआ है, श्योर आई एम श्योर। अब इनकी कोई डिस्क्रिप्शन है, बिकम अ स्पॉन्सर थीम फॉरेस्ट, इसके अंदर ये इनका लिंक दिया हुआ है, ये हटा दो, रीड मोर, और यहाँ से इस लिंक को भी हटा दें, और यहाँ पे चूज आ इमेज थीम फॉरेस्ट यूआरएल बैनर, यूआरएल से बैनर आ रहा है, और अब मैं अगर यहाँ जाऊँ ये किसी जगह भी शो नहीं हो रहा, सो यहाँ पे स्पॉन्सर्स का सेक्शन नहीं है, सो उसको छोड़ दें स्पॉन्सर वाले सेक्शंस को। अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने बैनर वगैरह डाल के आप इसको सेव करेंगे तो स्पॉन्सर वाला सेक्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे स्पॉन्सर्स ये हैं सारे स्पॉन्सर, हाँ ये वाले ये हैं स्पॉन्सर जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वाले इन इमेजेस को आप डाउनलोड करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिंपली आप चेंज भी इसको कर सकते हैं, या इसका यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नया स्पॉन्सर यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, नेम कैटेगरी भी आया हुआ है, प्रोमोटर यहाँ स्पॉन्सर है, ऐड स्पॉन्सर है, यहाँ पे फेसबुक उसका यूआरएल, उसके सारी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्पॉन्सर का सेक्शन, और नीचे आ जाता है अबाउट का सेक्शन जो कि यहाँ पे इसके अंदर था, और अबाउट के सेक्शन के अंदर आप जाके यहाँ पे सारी चेंजेस और भी कर सकते हैं, रीड अप और स्टोरी सब कुछ यहाँ पे आके डाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है इसको चेंज करना, यहाँ पे अपनी जिप फाइल वगैरह डाल सकते हैं वो भी। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड के मेंबर्स कौन से हैं, कोई बड़ी कंपनी है नंबर को नया ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर आपने कोई और पेजेस वगैरह बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पेजेस के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी आप पेज बना सकते हैं और पेज को आप उस मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं होम लिखता हूँ, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद मैं क्या करता हूँ एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ से, सॉरी एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ, चलो
चलें ये वाले पेजेस ही मैं इनको क्विक एडिट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्विक एडिट करता हूँ और यहाँ पे न्यू पेज का दे देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अपीयरेंस के अंदर जाए, मेन्यू के अंदर जाए, यहाँ पे मेन्यू का नाम मेन मेन्यू, ओके, और क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दो दो होम आ गया लेकिन कोई नहीं, खैर ये कह रहा है कि ये कस्टम लिंक है तो ये वाला ही रहने देते हैं। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस ये नीचे वाला हटा देते हैं तो सेव कर दें। ओके, अब इसको रिफ्रेश करें तो ये हमारे पेजेस भी यहाँ पे आ चुके हैं और बड़ा प्यारे आ रहे हैं, होम प्राइवेसी एंड पेज। अब लास्ट चीज़ रह गई है कि हमने इसको कैसे चेंज करना है लोगों को, तो आपने इसके लिए जाना है अपीयरेंस और कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको लोड होने का वेट एंड उसके बाद यहाँ देखें तो जनरल का ऑप्शन है तो यहाँ पे ही आप यहाँ से लोगो रिमूव और चेंज और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से लाइट चेंजेस, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना हो कर सकते हैं। ओके, मेन्यू को आप चेंज, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा विजेट्स हैं, सो विजेट्स का यहाँ पे अभी यहाँ नहीं आया हुआ। सी एस एस अपनी खुद से ऐड कर सकते हैं, होम पेज सेटिंग के और नीचे जाएं, हमारे पास ये सेक्शन है यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट ऑटोमेटिकली, हमारे यहाँ पे ये मैनेजमेंट वाला सेक्शन, स्पोर्ट वाला सेक्शन, प्रेस और होम प्राइवेसी, यहाँ पे सारे पेजेस हैं ये, और यहाँ पे अबाउट अस वो तो मैंने बताया सिंपल। ये वाला सेक्शन, ये वाला शायद रह गया आर डिपार्टमेंट्स, सो बैक जाते हैं। डिपार्टमेंट वाला सेक्शन भी शायद मैनेजमेंट और इसके अंदर था, स्टीम्स और मैचेस और वैसे आप इसको टूल्स और ये रहा विजेट्स, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। साइड बार भी क्रिएट कर सकते हैं, वैसे अपीयरेंस के अंदर जाएं, कस्टमाइज के अंदर जाएं और यहाँ पे जाने के बाद मेल प्रेस न्यूज, ये आर डिपार्टमेंट्स उसके अंदर ही है, मैनेजमेंट वगैरह सो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट वाले सेक्शन से शो हो रही है। जब अपनी ईमेल वगैरह स्पोर्ट वाले से चेंज करेंगे तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आई थिंक सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कितनी इजीली इसको आप मैनेज कर सकते हैं, इजीली आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं। सो ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।